जगी पालन हारा नाथ कृपा घन श्याम की। सभी की तालियां होगी। आधरती है प्रभु भगत बसल मरुधर भूमि आवे देवता इन धरती पे अवतार लियो है द्वारकाधीश भगवान। धरती है प्रभु भगत बसल भगवान की। अजमल जीरी भक्ति जागी सूती सुरति भजन में लागी। अजमल जीरी भक्ति जागी सूती सुरति भजन में लागी। नाथ द्वार का आंगन आए भाव उभारण पृथ्वी पे आया। उछायो घोर अंधारा दुखी हुआ है मानवी। छायो घोर अंधारा दुखी हुआ है मानवी। जब भैरव राक्षस को इतना आतंक बढ़ गयो क्या बात है मिंटू भाई। जय हो। चारों तरफ चाही चाही हो गई। भैरव राक्षस की भूख इतनी बढ़ गई कि पहले तो उसने जानवरों को खाना शुरू किया, फिर भी उसकी भूख नहीं बुझी तो उसने इंसानों को खाना शुरू कर दिया। चारों तरफ चाही चाही हो गई। तब अजमाल जी महाराज ने भगवान की भक्ति की 12 साल तक द्वारिकाधीश को मनाया और 13वीं साल भगवान स्वयं विक्रम संवत 1461 साल धोरा धरती बाड़मेर जिले में एक जगह है उंडू काश्मीर, अजमाल जी महाराज ने वचन रहे अनुसार भगवान स्वयं पधारया। तो लिखा है छायो घोर अंधारा दुखी हुआ है मानवी। Thank you.
ताकत के साथ में हम गा रहे हैं, उस ताकत से आपकी तालियां मिल जाएगी, तो आपकी तालियों से हमारा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपके भाग्य का बैलेंस बहुत जबरदस्त बढ़ जाएगा, हमारा ये मानना। आधारती है प्रभु भगत वसल भगवान की, आधारती है प्रभु भगत वसल भगवान की। कुकू पगला आप मनाया, दूध उफण तो फल मिठवाया, कुकू पगला आप मनाया, दूध उफण तो फल मिठवाया, कपड़े समय जो चक्र चलतो रहे हो। अजमान जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सू, बीरम देव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया, माता मैणा तेरो लाड, माता मैणा तेरो स्नेह मिल रही हो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो, दर्जी बड़ो लालची हो। बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री करतूत रो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी बड़ा दुखी है, कोई महंगो कपड़ो कोई बरी ले जार देवे तो वो बरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बनार दे देवे, गांवरे लोगों की मजबूरी थी। और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान, आज चटने करूं रे सवारी, माने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए, मारी मां मन घोड़ लियो मंगवाए,
यजमल गर्भतार की अपनी मां मेणा देसु हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो रूपो दर्जी चोरी कर दी बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो। रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया। लक्की बंजारो बाड़द ले आयो झूठ बोलियो कर री चोरी टैक्स री चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लून बना दियो। लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो। बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे। माता मैणा दे रे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो ब्याह री बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मैणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता। दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी नाम तो नेतल। अटी ने जैसे माता मैणा दे रे मन में चिंता हुई उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार। दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है मोटियार हो गई है जवान हो गई है कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो अपनी बेटी री सगाई करनी है थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में राखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो डागरे ने कनिया जन्मी हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विदाता दल जी के दो पुत्र भये कन्या एक सुजा प्राणपति अर्जी सुनो नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में तो मारो भाव भाव रो रिश्तो है भाव भाव रो संबंध है और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध। दलजी री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात प्राणपति अर्जी सुनो रे कन्या कही सोबा अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया ब्राह्मण देवता ने बुलाए सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी बोले रोणीचा गांवरा ठाकुर साहब है अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया
जार माता मेणा देवी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं, अमरकोट रा सरदार, अमरकोट रे सरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा, माता मेणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मेणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयो रे नाले रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं, और 1,25,000 री मोहरा दे, और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याह नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मेणा देव जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब कहड़ा खे, मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मेणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं, तो माता मेणा दे कह दियो कि वाप गांव रे बाहर पधारो, बटे कटी आप रे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे रहे। जार मेणा देव जी ने माफी मांगी, बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोकरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मेणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया, बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया, और आज तू यदि ब्याह भी वास्ते इनकार कर देला तो तुम्हारे वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा, थारी मां थने समझावे अपनी मां री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी मां ने हां भर दियो, बोले कि मां मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं, ये वास्ते तू केवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मेणा दे उदास, और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी, पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कई बात है, तू उदास क्यों, थाने किन बात री चिंता है। तो माता मेणा देरे आंखों में आंसू आ गया, बोली बेटा हरे लाछा तो आई बेटा, हमारी सुगना क्यों नहीं आ, लाछा तो आई बेटा हमारी सुगना क्यों नहीं आई, अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो। लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई, मारी सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो, खम्मा 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 रे कवरी।